हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आज जो है सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन का लेक्चर नंबर 6 है। उसमें हम लोग फिर से क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 से जो है क्वेश्चन नंबर 3 का 7 हम लोग देखेंगे। 3 वेरिएबल का दिया गया सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस का मैट्रिक्स मेथड के द्वारा सॉल्यूशन करना है। सॉल्यूशन करते हैं इसका। दिया गया जो है सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस ए है, तो इसको क्या करते हैं, लेट ए, ए क्या होता है, दिया गया इक्वेशन में वेरिएबल के कोफिशिएंट से जो मैट्रिक्स बनता है, तो 1 1 -1 3 1 -2 1 -1 -1। एक्स क्या होता है, जो वेरिएबल से जो मैट्रिक्स बनता है, यहाँ पे वेरिएबल का संख्या 3 एक्स वाई जेड। एंड बी क्या होता है, जो कांस्टेंट टर्म से जो बनता है मैट्रिक्स, वो उसको क्या मानते हैं, बी। तो 1 3 1। अब क्या है, दिया गया गिवेन सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस कैन बी रिटेन एज, इस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस को लिख सकते हैं किस तरह से, तो 1 1 -1 3 1 -2 1 -1 -1, एक्स वाई जेड ये कितना है, 1 3 1। यदि इसको मल्टीप्लाई करके इक्वेट करें तो इस इक्वेशन में हम लोग क्या जाएंगे, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन से पहुंच जाएंगे। ये मेरा क्या था, ए एक्स बी, तो क्या हो गया, ए एक्स इज इक्वल टू बी, देयरफॉर क्या हो गया, एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स बी। इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। अब क्या करना है, यहां से हमको इस मैट्रिक्स जो ए है उसका इनवर्स निकालना है। सिंस ए मेरा दिया गया है कितना है, 1 1 -1 3 1 -2 1 -1 -1। सबसे पहले चेक करते हैं कि इस मैट्रिक्स का इनवर्स जो एग्जिस्ट करता है या नहीं करता है। तो क्या निकालेंगे इसका, इस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट निकालेंगे, 1 1 -1 3 1 -2 1 -1 -1। इसको हम लोग किसी भी रो, आप तो किसी भी कॉलम के अलोंग यदि एक्सपेंड कर दें, एक्सपेंडिंग अलोंग फर्स्ट रो, तो ये हो जाएगा 1 लेंगे फर्स्ट रो, फर्स्ट कॉलम विल कैंसिल, यहाँ कितना हो जाएगा, -1 -1 -+ पहले से माइनस हो जाएगा -2, फिर -1, तो होगा फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम विल कैंसिल, -3 +2 -3 +2, फिर क्या हो जाएगा यहाँ से -1, तो फर्स्ट रो थर्ड कॉलम विल कैंसिल, -3 -1 -3 -1, तो मेरा क्या हो गया, -3, ये कितना हो जाएगा, -1, और माइनस माइनस हो गया यहाँ पे +1, फिर कितना, -3 -4 और माइनस माइनस हो जाएगा +4, तो कितना हो गया, -3 +5 इज इक्वल टू क्या हो गया, 2 इज नॉट इक्वल टू 0। तो लिख सकते हैं हेंस ए इनवर्स क्या करने वाला है, एग्जिस्ट करने वाला है जब दिया गया मैट्रिक्स का जो है डिटरमिनेंट का वैल्यू क्या हो गया, नन जीरो। इसका मतलब क्या होगा, उस मैट्रिक्स का इनवर्स क्या करेगा, एग्जिस्ट करेगा। अब हम लोग क्या निकालेंगे, इस दिया गया मैट्रिक्स का जो है को फैक्टर निकालेंगे। तो क्या है, को फैक्टर्स ऑफ एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स ए आर क्या है, C11 C12 C13 C21 C22 C23 C31 C32 C33 C33। अब क्या है, हम लोग जानते हैं जब मैट्रिक्स 3x3 ऑर्डर का होता है
तो कोफैक्टर में जो साइन होता है अल्टरनेट पॉजिटिव नेगेटिव, अरे हम ये भी जानते हैं कि पॉजिटिव नेगेटिव कैसे कंसीडर करते हैं। अब क्या है, वन वन लेंगे तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम विल कैंसल, यहाँ जाएगा माइनस वन माइनस टू, हो जाएगा माइनस वन माइनस टू, ये हो गया माइनस थ्री। वन टू के लिए लेंगे फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम विल कैंसल, माइनस थ्री प्लस टू, माइनस थ्री प्लस टू, ये कितना होगा माइनस वन माइनस माइनस प्लस वन। वन थ्री के लिए लेंगे फर्स्ट रो थर्ड कॉलम विल कैंसल, माइनस थ्री माइनस वन, माइनस थ्री माइनस वन, ये हो गया माइनस फोर। टू वन के लिए लेंगे तो क्या हो जाएगा, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम विल कैंसल, यहाँ क्या हो जाएगा माइनस वन, ये हो जाएगा माइनस वन। इसको इसको करेंगे माइनस वन माइनस वन प्लस वन, पहले से माइनस का साइन, तो क्या हो जाएगा माइनस माइनस वन माइनस वन माइनस टू, पहले से माइनस क्या हो जाएगा टू। टू टू के लिए सेकेंड रो सेकेंड कॉलम विल कैंसल, ये हो जाएगा माइनस वन प्लस वन, माइनस वन प्लस वन इजिकल टू जीरो। टू थ्री के लिए सेकेंड रो थर्ड कॉलम विल कैंसल, ये हो जाएगा माइनस वन माइनस वन, माइनस वन माइनस वन, ये क्या हो जाएगा माइनस टू और माइनस प्लस टू। थ्री वन के लिए लेंगे थर्ड रो फर्स्ट कॉलम विल कैंसल, माइनस टू प्लस वन, माइनस टू प्लस वन, ये होगा माइनस वन। थ्री टू टू के लिए लेंगे थर्ड रो सेकेंड कॉलम विल कैंसल, ये हो जाएगा माइनस टू प्लस थ्री, माइनस टू प्लस थ्री, तो क्या हो जाएगा माइनस वन। थ्री थ्री के लेंगे थर्ड रो थर्ड कॉलम विल कैंसल, हो जाएगा वन माइनस थ्री, ये हो जाएगा वन माइनस थ्री माइनस टू। हम लोग को क्या निकल चुका है, को फैक्टर निकल चुका है, तो क्या निकालेंगे को फैक्टर मैट्रिक्स, लेट सी इसको, मेरा क्या है को फैक्टर मैट्रिक्स सी वन वन सी वन टू सी वन थ्री सी टू वन सी टू टू सी टू थ्री सी थ्री वन सी थ्री टू सी थ्री थ्री। अब इसका वैल्यू क्या दिया आया है, सी वन वन का माइनस थ्री वन माइनस फोर, जी टू जीरो टू माइनस वन माइनस वन माइनस टू, क्या निकल गया कोफैक्टर मैट्रिक्स। इसके बाद हम लोग क्या निकालते हैं एडजॉइंट, देयरफॉर क्या हो जाएगा एडजॉइंट ऑफ ए क्या होता है कोफैक्टर मैट्रिक्स का ट्रांसपोज, ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर मैट्रिक्स का मतलब क्या होगा सी डैश ट्रांसपोज करेंगे तो होगा माइनस थ्री माइनस थ्री वन माइनस फोर टू जीरो टू माइनस वन माइनस वन माइनस टू। अब हम लोग जो जो है हम लोग जानते हैं कि ए इनवर्स का फॉर्मूला क्या होता है, वी नो दैट क्या होता है ए इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय डिटरमिनेंट ऑफ ए, एडजॉइंट ऑफ ए बाय डिवाइडेड बाय डिटरमिनेंट ऑफ ए, इसका वैल्यू यदि पुट करेंगे क्या है उसके बाद ए इनवर्स एडजॉइंट ऑफ ए का वैल्यू कितना है, ए मेरा है माइनस थ्री टू माइनस वन, वन जीरो माइनस वन, माइनस फोर टू माइनस टू, डिवाइडेड बाय डिटरमिनेंट का वैल्यू कितना आया है टू। देयरफॉर ये हो गया ए इनवर्स इज इक्वल टू वन बाय टू माइनस थ्री टू माइनस वन, वन जीरो माइनस वन माइनस फोर टू माइनस टू, ये क्या निकल गया ए इनवर्स। अब इसका वैल्यू कहाँ पुट करते हैं इक्वेशन नंबर वन में, वो अब पुट करेंगे फ्रॉम वन क्या था एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स बी, तो एक्स का वैल्यू क्या है जो वेरिएबल से जो मैट्रिक्स बनता है ए इनवर्स का वैल्यू अभी निकाले वन बाय टू माइनस थ्री टू माइनस वन, वन जीरो माइनस वन माइनस फोर टू माइनस टू, एंड बी का वैल्यू कितना है वन थ्री वन, ए मेरा हो जाएगा वन बाय टू। यदि इसको मल्टीप्लाई किया जाए ए मेरा क्या है माइनस थ्री, ये क्या हो जाएगा प्लस सिक्स, माइनस थ्री प्लस सिक्स ये क्या हो जाएगा माइनस वन। अब सेकेंड रो को इससे मल्टीप्लाई करें क्या हो जाएगा वन
ये हो जाएगा जीरो, ये हो जाएगा माइनस वन, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे ये हो जाएगा माइनस फोर प्लस सिक्स माइनस टू, तो ये मेरा क्या हो गया वन बाय टू, ये हो जाएगा माइनस थ्री माइनस वन माइनस फोर सिक्स, सिक्स माइनस फोर ये हो जाएगा टू, अब हो जाएगा वन माइनस वन जीरो, और हो जाएगा माइनस सिक्स प्लस सिक्स ये हो जाएगा जीरो। अब ये मेरा क्या हो जाएगा, इसको यदि डिवाइड कर दिया जाए तो क्या हो जाएगा, ये मेरा है एक्स वाई जेड, ये कितना है हो जाएगा टू बाय टू जीरो बाय टू जीरो बाय टू, ये कितना निकल गया वन जीरो जीरो। इक्वेट करेंगे इसको तो देयरफॉर क्या हो जाएगा एक्स इज इक्वल टू वन वाई इज इक्वल टू जीरो जेड इज इक्वल टू जीरो, ये मेरा क्या हो गया आंसर। यदि इसको क्या करेंगे, यदि इसको हम लोग चेक करना है किसका आंसर जो है सही है कि नहीं, तो दिया गया सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस में किसी भी पुट करेंगे उसका वैल्यू क्या आना चाहिए, उसको सेटिस्फाई करना चाहिए। मान लेते हैं थर्ड इक्वेशन एक्स माइनस वाई माइनस जेड कितना है वन, एक्स का वैल्यू वन वाई का वैल्यू जीरो जेड का वैल्यू जीरो कितना है वन, इससे क्या हो गया इक्वल हो गया, इसका मतलब जो मेरा आंसर आया वो मेरा क्या है सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है उसी का क्वेश्चन नंबर एट थर्ड का, इसका जो नाइन नंबर है अभी जस्ट देखे थे, इसका क्वेश्चन नंबर सेवन सिमिलर उसी तरह सेम टू सेम क्वेश्चन है, थोड़ा सा उसमें चेंजिंग किया कॉन्स्टेंट टर्म में, तो उसको आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर एट सॉल्व करते हैं, क्या करते हैं लेट ए, ये हम लोग जानते हैं वेरिएबल के कोफिशियंट से जो मैट्रिक्स बनता है हो जाएगा टू माइनस वन 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 माइनस टू थ्री। एक्स क्या होता है वेरिएबल से जो मैट्रिक्स बनता है एक्स वाई जेड, एंड बी जो कांस्टेंट टर्म से जो मैट्रिक्स बनता है सिक्स थ्री सिक्स। अब क्या है गिवन सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस कैन बी रिटेन एज, लिख सकते हैं कितना है वन 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 टू माइनस वन 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 माइनस टू थ्री, ये क्या है एक्स वाई जेड कॉन्स्टेंट टर्म क्या है सिक्स थ्री सिक्स। यदि इसको मल्टीप्लाई करके इक्वेट किया जाए तो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन में पहुंच जाएंगे, ये मेरा क्या था ए एक्स बी, तो ये क्या हो गया ए एक्स इज इक्वल टू बी, देयरफॉर क्या हो गया एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स बी, एक्स इज इक्वल टू क्या हो गया ए इनवर्स बी, इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर वन। अब सिंस ए दिया हुआ मैट्रिक्स क्या है, ए है मेरा वन 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 टू माइनस वन 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 माइनस टू थ्री, वन 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 टू माइनस वन 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 माइनस टू थ्री, इसका क्या निकालना है इनवर्स निकालना है। सबसे पहले चेक करते हैं इसका इनवर्स एग्जिस्ट करता है या नहीं, तो क्या निकालेंगे डिटरमिनेंट ऑफ ए वन 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 टू माइनस वन 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 माइनस टू थ्री, ये हो जाएगा एक्सपेंडिंग अलोंग, एक्सपेंड करते हैं इसको फर्स्ट रो के लिए अलोंग, तो हो जाएगा ये हो जाएगा वन, तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम मिल कैंसिल है कितना माइनस थ्री प्लस टू माइनस वन, तो फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम मिल कैंसिल सिक्स माइनस वन सिक्स माइनस वन, फिर क्या हो जाएगा प्लस वन, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम मिल कैंसिल ये हो जाएगा माइनस फोर, क्या हो जाएगा माइनस फोर माइनस माइनस प्लस वन, तो कितना हो गया ये हो जाएगा माइनस वन फाइव माइनस सिक्स माइनस वन फाइव, ये हो गया माइनस फाइव, ये कितना माइनस फोर प्लस वन माइनस थ्री, तो कितना हो गया माइनस नाइन, माइनस फाइव माइनस थ्री माइनस एट माइनस वन माइनस नाइन, ये क्या इज नॉट इक्वल टू जीरो,
therefore लिख सकते हैं, hence ए इनवर्स क्या करेगा, एग्जिस्ट करने वाला है। अब हम लोग क्या निकालेंगे, को फैक्टर से निकालेंगे, ये हो जाएगा को फैक्टर एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स ए। तो ए आर, तो ये कितना हो जाएगा, ये मेरा हो जाएगा C11, C12, C13, C21, C22, C23, C31, C32, C33। अब ये हो जाएगा मेरा साइन पॉजिटिव नेगेटिव, अल्टरनेट पॉजिटिव नेगेटिव। अब इसको ले लेंगे वन वन के लिए, मतलब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम विल कैंसिल, हो जाएगा 3 -3 +2, ये हो जाएगा -3 +2 -1, 1 2 के लिए फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम विल कैंसिल, ये हो जाएगा 6 -1, ये हो जाएगा 6 -1, 5 वहाँ पहले से माइनस है, क्या हो जाएगा -5। 1 3 के लेंगे फर्स्ट रो थर्ड कॉलम विल कैंसिल, ये हो जाएगा -4 +1, -4 +1, ये क्या हो गया -3। 2 1 के लेंगे तो हो जाएगा सेकेंड रो एंड फर्स्ट कॉलम विल कैंसिल, 3 +2, 3 +2, 3 +2, ये हो गया -5। अब जो 2 2 के लेंगे सेकेंड रो सेकेंड कॉलम विल कैंसिल, 3 -1, 3 -1, ये क्या हो गया 2 2 3 के लेंगे सेकेंड रो थर्ड कॉलम विल कैंसिल, हो जाएगा -2 -1, -2 -1, -3 पहले से माइनस क्या हो जाएगा 3 3 1 के लेंगे तो हो जाएगा थर्ड रो फर्स्ट कॉलम विल कैंसिल, हो जाएगा 1 + 1, ये हो जाएगा 1 + 1 = 2 2 3 2 के लेंगे थर्ड रो सेकेंड कॉलम विल कैंसिल, ये हो जाएगा 1 - 2, ये हो जाएगा 1 - 2, ये क्या हो जाएगा -1 पहले से माइनस क्या होगा +1। 3 3 के लेंगे थर्ड रो थर्ड कॉलम विल कैंसिल, ये हो जाएगा -1 - 2, ये हो जाएगा -1 - 2, तो क्या हो जाएगा -3। अब क्या निकालेंगे, कोफैक्टर मैट्रिक्स, तो लेट करते हैं, लेट C11, C12, C13, C21, C22, C23, C31, C32, C33, इनका वैल्यू क्या क्या आया है, ये है -1, -5, -3, -5, 2 3, 2 1, -3। अब क्या निकालेंगे, एडजॉइंट ऑफ ए, ए का एडजॉइंट, तो क्या होता है ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर मैट्रिक्स, मतलब क्या हो जाएगा सी डैश, यदि इस मैट्रिक्स को ट्रांसपोज करें -1, -5, -3, सेकेंड रो वाले किसमें सेकेंड कॉलम में तो हो जाएगा -5, 2 3, 2 1, -3, ये क्या निकल गया है एडजॉइंट निकल गया है। अब उसके बाद हम लोग क्या जानते हैं, इसके बाद क्या निकालते हैं इनवर्स, तो हम लोग जानते हैं वी नोन दैट ए इनवर्स इज इक्वल टू क्या होता है एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय डिटरमिनेंट ऑफ ए। अब क्या है, इसके बाद क्या कहेंगे इनवर्स निकालेंगे, तो हो जाएगा ए इनवर्स एडजॉइंट ऑफ ए का वैल्यू कितना आया है -1, -5, 2, -5, 2 1, फिर क्या है -3, 3 -3, डिवाइडेड बाय डिटरमिनेंट ऑफ ए का वैल्यू कितना है -9। देयरफॉर क्या हो जाएगा ए इनवर्स इज इक्वल टू -1/9, हो जाएगा -1, -5, 2, -5, 2 1, -3, 3, -3। अब क्या करेंगे, ये जो इनवर्स का वैल्यू है इसमें पुट करेंगे दिया गया इक्वेशन नंबर 1 में, तो ये हो जाएगा फ्रॉम 1 x = a इनवर्स b,
एक्स का वैल्यू क्या है, एक्स वाई जेड, इनवर्स का वैल्यू कितना है, इनवर्स का माइनस वन बाय नाइन, माइनस वन माइनस फाइव टू, माइनस फाइव टू वन, माइनस थ्री थ्री, माइनस थ्री, एंड बी का वैल्यू क्या है, सिक्स थ्री सिक्स। अब उसके बाद ये हो जाएगा माइनस वन बाय नाइन, यदि इसको मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाएगा माइनस सिक्स, ये कितना हो जाएगा माइनस फिफ्टीन, प्लस कितना हो जाएगा प्लस ट्वेल्व। अब ये हो जाएगा, इसको जो होगा माइनस थर्टी, माइनस थर्टी प्लस सिक्स प्लस सिक्स, ये कितना होगा माइनस एटीन, प्लस नाइन माइनस एटीन। अब इसको सॉल्व यदि करें तो कितना यहाँ पे माइनस वन बाय नाइन, ये कितना हो जाएगा माइनस फिफ्टीन माइनस सिक्स, कितना होगा माइनस ट्वेंटी वन, और प्लस ट्वेल्व तो कितना हो जाएगा माइनस नाइन, और हो जाएगा सिक्स और सिक्स ट्वेल्व, माइनस थर्टी प्लस ट्वेल्व कितना होगा माइनस एटीन, ये हो जाएगा माइनस एटीन माइनस एटीन माइनस थर्टी सिक्स प्लस नाइन, तो क्या हो जाएगा माइनस ट्वेंटी सेवन। अब इसको क्या करते हैं, ये एक्स है एक्स वाई जेड, अब यदि माइनस नाइन से जो डिवाइड यदि किया जाए तो क्या है माइनस नाइन डिवाइडेड बाय माइनस नाइन, ये है माइनस एटीन डिवाइडेड बाय माइनस नाइन, माइनस ट्वेंटी सेवन डिवाइडेड बाय माइनस नाइन। अब यदि ये कटेगा तो कितना हो जाएगा यहाँ से माइनस नाइन माइनस नाइन वन, माइनस एटीन को माइनस नाइन से डिवाइड करेंगे टू, माइनस ट्वेंटी सेवन को माइनस नाइन से डिवाइड करेंगे तो थ्री। अब इन दोनों मैट्रिक्स को इक्वेट किया जाए तो क्या हो जाएगा, देयरफॉर एक्स इज इक्वल टू वन, वाई इज इक्वल टू टू, जेड इज इक्वल टू थ्री, ये हम लोग का क्या गया आंसर। फिर से इसको यदि वेरीफाई यदि करें ये जो मेरा आंसर आया है सही है या नहीं, तो सिस्टम गिवन सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस में से कोई भी इक्वेशन में पुट किया जाए तो उसको क्या करेगा सेटिस्फाई करेगा। लेते हैं पहला ही इक्वेशन, ये मेरा क्या है एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू सिक्स, तो एक्स का वैल्यू वन, वाई का वैल्यू टू, जेड का वैल्यू थ्री, तो थ्री प्लस थ्री मेरा क्या होगा सिक्स इसके इक्वल, इसका मतलब जो मेरा वैल्यू आया है वो मेरा क्या है सही है। तो आज हम लोगों ने क्या देखा, फिर से जो है थ्री वेरिएबल का क्वेश्चन देखा कि उसको मैट्रिक्स मेथड के द्वारा कैसे सॉल्व करते हैं। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।